किसान भाइयों, आज हम रिवर्स फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे। रिवर्स फंगिसाइड के बारे में बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद रिवर्स फंगिसाइड के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, पूरा रूप से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिवर्स फंगिसाइड की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए रिवर्स फंगिसाइड की ए टू जेड जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, रिवर्स फंगिसाइड सिजेंटा कंपनी का आता है और इसका जो केमिकल एंड कंपोजिशन है, इसमें मेंडी प्रोपामाइड 23.4% जो कि SC फार्मूलेशन में आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्म में आता है। अब जान लेते हैं रिवर्स फंगिसाइड की मोड ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने का तरीका क्या है, यह किस तरीके से फंगस को नियंत्रण करता है। तो रिवर्स फंगिसाइड में मेंडी प्रोपामाइड पाया जाता है। मेंडी प्रोपामाइड मेंडेलामाइड ग्रुप का एक लोकल फंगिसाइड है, जो कि कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। यह फंगस की PMC सेल वॉल में बायोसिंथेसिस को बाधित करके फंगस को नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं रिवर्स फंगिसाइड कौन कौन से फसलों में कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो सिजेंटा कंपनी रिवर्स फंगिसाइड को मुख्य रूप से आलू और टमाटर के फसल में लेट ब्लाइट, यानी कि पछेती झुलसा, और अंगूर के फसल में डाउनी मिल्ड्यू के लिए रिकमेंडेड करती है। और इन दोनों फंगस को रिवर्स फंगिसाइड बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। वहीं इसकी डोज की बात करें तो रिवर्स फंगिसाइड को प्रति एकड़ 160 ml 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए, और प्रति पंप 12 ml 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 16 ml रिवर्स फंगिसाइड को लेना चाहिए। रिवर्स फंगिसाइड की रेन फास्टनेस 1 घंटे का होता है। इसको स्प्रे करने के बाद फसल और फंगस के ऊपर काम करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे के बाद चाहे फिर जितने भी बारिश होती है, कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। 1 घंटे के बाद बारिश हो भी जाए तो भी इसका हमें 90 से 95% रिजल्ट देखने को मिलता है। रिवर्स फंगिसाइड की रेसिडुअल एक्टिविटी 12 से 15 दिन की होती है। इसको स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 12 से 15 दिनों तक काम करता है, 12 से 15 दिनों तक फंगस को नियंत्रण करके रखता है। रिवर्स फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 2 दिन के बाद देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, कम्बिनेशन एंड स्टेज की बात करें तो रिवर्स फंगिसाइड को फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कम्बिनेशन की बात करें तो इसे कुछ गिने चुने कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों के साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए जो टॉनिक आते हैं, जो NPK खाद आते हैं, इनके साथ आपको कभी भी कम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिवर्स फंगिसाइड की 2 बेहतरीन बेनिफिट, यानी कि इसकी 2 बेहतरीन लाभ के बारे में। तो रिवर्स फंगिसाइड को फसल में एक बार स्प्रे करने पर यह उस फसल में फंगस के नए इन्फेक्शन को बहुत ही लंबे समय तक होने ही नहीं देता है, जिससे कि हमारे फसलों पर लंबे समय तक फिर से फंगस अटैक ही नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि रिवर्स फंगिसाइड को आप गलती से कम डोज के जरिए भी स्प्रे कर देते हैं, तो इसका हमें बहुत ही प्रभावी रिजल्ट देखने को मिलता है। यह नहीं कि दूसरे जो दवाई होते हैं उनका डोज यदि हम कम कर देते हैं तो उनका जो रिजल्ट है हमें नहीं के बराबर देखने को मिलता है, या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो रिवर्स फंगिसाइड है, इसको यदि हम थोड़ी भी मात्रा में स्प्रे करते हैं तो फसल पर इसका रिजल्ट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब अंत में बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग एंड प्राइस की। तो रिवर्स फंगिसाइड की 160 ml की जो पैकिंग है, यह 700 रुपये के लगभग में मिल जाता है, और प्रति एकड़ की खर्च जो है यह अभी 700 रुपये के लगभग में हो जाता है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी उनको भी लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।